पति पत्नी के बीच में लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा समस्या ऐसी आ रही है कि एक दूसरे का चेहरा भी पसंद नहीं आ रहा। तलाक तक पहुंचने की नौबत तो नहीं आई, लेकिन लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, समझ नहीं रहे हैं बातों को। पति अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, पत्नी अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसी लड़ाई हो रही है जिससे नुकसान बच्चों का हो रहा है, आपका खुद का नुकसान हो रहा है, दिन भर दिमागी टेंशन है, यानी कि दिमागी रूप से बहुत परेशान रह रहे हैं, उनके लिए आज ये उपाय, पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों ये उपाय करेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी, जीवन में सुख एवं शांति आएगी। आप ये उपाय जरूर देखिएगा। नमस्कार। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, जय माता दी। माता वैष्णो आपकी सब मनोकामना पूर्ण करें। आज का उपाय हम लेके आए हैं, पति एवं पत्नी दोनों की लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही हैं, शांति नहीं है घर में। पति ऑफिस से आता है तो एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, या पत्नी की कोई छोटी सी बात पर पति नाराज हो जाता है और पति की छोटी सी बात पर पत्नी, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बना हुआ है। जितना ज्यादा अपन घर में आते हैं उतना ही कलह बढ़ता है, घर में एकदम से शांति नहीं मिल रही है। उनके लिए आज उपाय हम बताएंगे। उस उपाय में एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है और देखिएगा, पहले दिन से आपको शांति मिलने लग जाएगी, एक सुकून मिलेगा घर में, एकदम से पीस आ जाएगा, शांति आ जाएगी। चेहरा पसंद नहीं आता था, धीरे धीरे आपकी बात बनने लग जाएंगी, लड़ाई खत्म होने लग जाएंगी। ऐसा उपाय पति और पत्नी के बीच शांति के लिए। करना क्या है वो समझ लीजिए। आपको मैं एक चित्र दिखा रहा हूं, इस चित्र को यानी इस फोटो को अपने घर में मंदिर में स्थापित कर लीजिए। पहले दिन से किसी भी दिन आप इस फोटो को, इस चित्र को आप अपने घर में ले आइए। आपको लक्ष्मी नारायण यानी कि आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर लेके आनी है और इस तस्वीर को अपने घर में लगाना है। देखिए, बहुत सारी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, लेकिन माता लक्ष्मी की पैर दबाते हुए, भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए तस्वीर, ये आपको चित्र लेके आना है और इस चित्र को अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन आपको एक दिया जलाना है, घी का दीपक, जिसमें चार बत्तियां हो, यानी कि चार आपकी लौ हो, लौ आपकी चार होनी चाहिए, यानी क्रॉस में इस टाइप से आपको दो बत्तियां बनाकर एक दूसरे के ऊपर लगानी है और चार यानी आपके दिए में चार लौ जलनी चाहिए। दूसरी चीज, जिस दिन आप ये तस्वीर स्थापित करें उस दिन से एक छोटा सा नियम बांध लीजिएगा। आप देखिए, पति हो चाहे पत्नी हो, ये दोनों ये उपाय कर सकते हैं। आपको उस दिन एक नियम बांध लेना है, पक्षियों को दाना जरूर डालना है। जिस दिन से आप तस्वीर स्थापित करें अपने घर में, उस दिन से पक्षियों को यानी चिड़ियाओं को, कबूतरों को दाना जरूर डालना है। दाने में यानी अन्न डालना है आपको। जैसे मान लीजिए आपका बाजरा होता है, मूंग होती है, ठीक है, या ज्वार होता है, तो इस टाइप से आप है ना पक्षियों को जरूर डालिएगा पहले दिन से ही। जिस दिन आप इस तस्वीर को स्थापित करें अपने घर में उस दिन से आपको पक्षियों को दाना डालना है। दूसरा, आपको लौ जो है वो चार लौ वाला दीपक जलाना है, यानी क्रॉस में आप बत्ती बनाकर घी का दीपक जलाएं लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के सामने। चित्र आपको पैर दबाते हुए, माता लक्ष्मी पैर दबा रहे हैं भगवान विष्णु के, ऐसा चित्र आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा। ये चित्र आप लाकर अपने घर में स्थापित कीजिए, देखिएगा फर्स्ट डे से, मैं आपको बता रहा हूं, एकदम से एनवायरनमेंट चेंज होगा, घर का माहौल चेंज होगा, पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य बनने लग जाएगा, एकदम से शांति आ जाएगी। बाकी माता वैष्णो देवी आप पर कृपा करें, आपका मन अच्छा करें, आपको आपका पति अच्छा लगने लग जाए, आपको आपकी पत्नी अच्छी लगने लग जाए, ऐसी मंगल कामना माता वैष्णो देवी से, ताकि दोनों में लड़ाइयां बंद हो जाए। नमस्कार।